हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीआई रिक्वेस्ट के बारे में कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में एपीआई को हैंडल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं उससे पहले आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास है एक क्लाइंट और एक सर्वर है। क्लाइंट में हमारे पास क्या होता है, मोस्टली हमारा क्लाइंट जो हम कहते हैं वो होता है वेब ब्राउजर, जिसके अंदर जो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज काम करती है, जो कि है HTML, CSS और JavaScript। तो React.js क्या है, ये एक लाइब्रेरी है JavaScript की। तो हम अभी फिलहाल इसे समझेंगे कि हमारा क्लाइंट क्या है React.js। अब React.js जो है वो क्या करना चाहता है, रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, यानी कि कम्युनिकेट करना चाहता है किससे, सर्वर पर। अब सर्वर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सर्वर साइड लॉजिक होता है और वहां पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट क्लाइंट से भेज सकते हैं और वहां से यानी कि सर्वर से कुछ रिस्पांस हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये हम APIs की मदद से करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है React.js का, कि हम जो है डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हासिल नहीं कर सकते React.js में। अगर हम एंगुलर की बात करें तो उसमें हमारे पास एंगुलर सर्विस का ऑप्शन था, जिसके थ्रू हम जो है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों को रिसीव करते थे। लेकिन React.js में अगर हमको APIs से डील करना है तो हमको एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसका नाम है Axios। Axios क्या है, ये एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है और ये क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कराता है, यानी कि हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव होता है Axios की मदद से। अब जैसा कि मैंने कहा, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है तो आपको इसे जो है डाउनलोड करना पड़ता है सबसे पहले। तो आप क्या करें, आपकी एप्लीकेशन के अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर जाएं और उसे npm या फिर yarn की मदद से जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर उसका कमांड भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप npm से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे npm install axios --save, और अगर yarn इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिखे yarn add axios --save। तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है सेव हो जाएगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, कि अगर आपको Axios का इस्तेमाल करना है तो आपको React की एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि लाइफ साइकिल मेथड है, कंपोनेंट डिड माउंट, इसके अंदर उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये क्यों है, तो मैं जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताऊंगा आपको, तभी इसको समझाते जाऊंगा। तो तब तक के लिए आप जो है सेटअप तैयार रखें और मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो डिफॉल्ट कॉम्पोनेंट है ऐप कॉम्पोनेंट को यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। और अगर आप index.js की फाइल देखें तो यहाँ से हमने उसका जो इम्पोर्ट था और यहाँ पर जो कस्टम HTML टैग है उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो src पर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, और इस फाइल का नाम आप दें API रिक्वेस्ट, क्योंकि हम इसमें API रिक्वेस्ट देखने वाले हैं, और JSX इस फाइल का एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले Axios को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाए, जैसे कि माय ऐप का मेरे पास प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, yarn add axios --save लिखकर आप इंटर प्रेस कर दें। तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसको डाउनलोड कर लेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डबल से इंस्टॉल नहीं करने वाला। और अब हमको जानना है कि हम कौन सी API को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक ओपन करके रखी है जिसको हम एक्सेस करेंगे। तो अगर आप फायरफॉक्स यूज करते तो यहाँ पर आपको एक जेसन का ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कंट्रीज से रिलेटेड डेटा है। अगर इस पोजीशन पे मैं इस पर एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, हमारे React.js के प्रोजेक्ट में एक्सेस करेंगे। ये एक डमी एग्जाम्पल है और ये लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही मैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करवा दूंगा, तो आप इसे कॉपी कर लें। तो इसमें क्या है, कंट्रीज से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि मोस्टली हम इसमें नेम, कैपिटल और फिर क्या कर सकते हैं, इसका फ्लैग हम यूज कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आने वाले वीडियोस में हम जो है हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट देखेंगे, जिसमें हम हमारा खुद का सर्वर क्रिएट करेंगे और खुद की APIs को हम हैंडल करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी API को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस डेटा को हम एक्सेस करने वाले हैं एक्सियोस की मदद से। अगर आपको एक्सियोस के बारे में और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, npmjs.com पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एक्सियोस के बारे में। तो यहाँ पर इंटर करें एक्सियोस, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इस लाइब्रेरी या फिर इस मॉड्यूल के बारे में हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट मैच है एक्सियोस, उस पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, कैसे इसको यूज करना है और इसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आप इनहेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें बेसिक से एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन भी दिया हुआ है, जैसे हमने npm की मदद से किया, तो यहाँ पर बहुत सारे दूसरे मेथड्स भी हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में और इन डिटेल इसको देखेंगे, मगर आप फिलहाल अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने यार्न की मदद से एक्सियोस को डाउनलोड किया है तो उसको हमको यूज करना है हमारे API request.jsx के कॉम्पोनेंट में। तो फिलहाल हमारे पास एक ही कॉम्पोनेंट है क्योंकि ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम कैसे APIs को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं। अब इसके अंदर हम जो है स्टेट का भी यूज करेंगे, तो इसे हम क्लास कॉम्पोनेंट बनाएंगे। तो आपको पता होगा इस कॉम्पोनेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और क्लास कॉम्पोनेंट है तो हम क्या करेंगे, क्लास और कॉम्पोनेंट का नाम याद रहे कैमल केस में आप लिखें, मैं फाइल का नाम सेम रखता हूँ हमारी फाइल नेम से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा API रिक्वेस्ट और यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सटेंड कराना है रिएक्ट को डॉट कॉम्पोनेंट से, तो हमारा एक क्लास कॉम्पोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि हम इसको यूज कर पाए हमारे एंट्री फाइल में, यानी कि index.js की फाइल में। तो यहाँ पर आप इस फाइल का नाम लिख दे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और API रिक्वेस्ट। तो ये क्लास कॉम्पोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सियोस को भी इम्पोर्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर लिया है ना, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखे इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस की खुद की लाइब्रेरी से, तो ये यहाँ पर हमारा एक्सियोस का मॉड्यूल जो है इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है इस कंट्रीज का डेटा, यानी कि हमारे पास ये जो डेटा आने वाला है रेस्ट कंट्रीज का, तो इसको हम क्या करें सेव कर पाए। तो ये जैसा कि मैंने कहा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम स्टेट जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। इसके अंदर हमको नेक्स्ट देना पड़ता है सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं दिस डॉट स्टेट की मदद से जो है स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कहा कि हमारे पास जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है, तो हम एक ARR बोल के एक एम्प्टी एरे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। याद रहे की वैल्यू पेयर है, आप यहाँ पर इक्वल का साइन ना दें। तो ये हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है एम्प्टी एरे का ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट में हमारे पास क्या है, AAR है जो कि एम्प्टी एरे है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक्सियोस का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको लाइफ साइकिल मेथड में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने लाइफ साइकिल मेथड अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें का एक हम देखने वाले हैं कॉम्पोनेंट डिड माउंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्पोनेंट डिड माउंट, तो कॉम्पोनेंट डिड माउंट का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बूटिंग टाइम पर जो है लोड होता है। तो इसके अंदर का जो भी डेटा हमारे पास रहेगा वो जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तभी जो है फेच हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हमको क्या करना है, एक्सियोस की मदद से जो है हमको जो है URL को हिट कराना है। तो जैसे कि APIs क्या होती है, ये URLs होते हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेस्ट कंट्रीज EU/REST V2 ALL, तो ये URL को हम एक्सेस करेंगे एक्सियोस की मदद से। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए आपको लिखना है एक्सियोस डॉट, इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं गेट मेथड क्योंकि हम डेटा को फेच करा रहे हैं। इसके बाद में सबसे पहले जो होता है वो होता है URL पैटर्न। अब URL पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास इसका URL रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये हमारा एक URL हो चुका है। अब ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब प्रॉमिस में हमारे पास क्या होता है, दो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखे आप देन, देन के बाद में हमारे पास है दो कॉल बैक। पहले कॉल बैक में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और सेकेंड वाले में हमारे पास होता है एरर रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे पास एरर भी आ सकता है उसको एग्जीक्यूट करते टाइम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एरर को यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो एरर को आप क्या करें, सिंपली console.log में प्रिंट करा सकते हैं, console.log ऑफ एरर रिस्पॉन्स। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जो है इस एरे के अंदर सेव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करें, वहां पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को हमको क्या करना है, सेट करना है हमारे ARR के अंदर। तो दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के अंदर हमको क्या करना है, ARR के अंदर जो है हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स को सेंड करना है। लेकिन सिंपली पॉजिटिव रिस्पॉन्स को आप सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेटा। तो उस डेटा को भी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सक्सेसफुली ARR के अंदर जो है डेटा जो है स्टोर हो गया। तो लाइफ साइकिल मेथड के बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, जो कि होता है रेंडर मेथड। यहाँ पर हम लिखेंगे रेंडर, और रेंडर के अंदर जो है हम JSX को रिटर्न कराएंगे। सो आई होप आपको पता होगा कि कैसे हम जो है JSX को रिटर्न करा सकते हैं। तो मैं इसको स्क्रोल करता हूँ ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेंगे जो कि div होता है। अब हमारे पास क्या है, कंट्री से रिलेटेड डेटा है, तो ये बहुत लंबा भी जा सकता है। तो मैं इसको एक टेबल के अंदर जो है ऐड कर लेता हूँ। तो आप सिंपली HTML का इस्तेमाल करें, टेबल, और इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बॉर्डर भी दे देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर बॉर्डर भी नजर आए। और इसको हम क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे सेंटर में, ताकि हमारा कॉन्टेंट जो है सेंटर में रहे। तो बूटस्ट्रैप या फिर हम अदर CSS लाइब्रेरी जो है हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल ले लिया। अब टेबल के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है टी बॉडी लेना है। टी बॉडी लिया, टी बॉडी के अंदर हमारे पास एक TR होता है, जो कि टेबल रो के लिए होता है। और हम क्या करेंगे, TH लेंगे टेबल हेड, यानी कि टेबल हेडिंग के लिए हम 4 कर देते हैं इसको, TH into 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे SN, जो कि सीरियल नंबर के लिए है, और उसके बाद में कंट्रीज का नेम यहाँ पर, और उसके बाद में उसका कैपिटल, और उसके बाद में उसका एक फ्लैग ले लेते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि ये सारा डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है। तो मैं वापस से आपको जो है URL बता देता हूँ। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारा जो है ऑब्जेक्ट्स है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं चार ही एक्सेस कर रहा हूँ, आप चाहे तो कंप्लीट इसका डेटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेम, फिर कैपिटल, फिर उसके बाद में इसका जो है यहाँ पर है फ्लैग, इन तीन चीजों को एक्सेस करूंगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस टी बॉडी के बाद में हम लिखेंगे, सॉरी टी हेड है यहाँ पर, माई मिस्टेक, यहाँ पर है टी हेड, इसको भी मैं कर देता हूँ टी हेड। अब लिखेंगे हम टी बॉडी, और इस टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, JSX को रिटर्न कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, देखिए दिस डॉट स्टेट, क्योंकि स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एरे है, क्योंकि एम्प्टी था, लेकिन हमने क्या किया, इस एक्सियस की मदद से उसके अंदर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स से जो हमको डेटा रिसीव हो रहा था उसको इसमें यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो अब हम उसको एक्सेस करने वाले दिस डॉट स्टेट, स्टेट डॉट ARR, और ये क्योंकि लिस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे मैप की मदद से। अब मैप के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैप मेथड लिखेंगे, और जो कि मैप मेथड क्या है, एक तो एलिमेंट और इंडेक्स जो है यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स रिसीव करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। तो इसका शॉर्टकट आप क्या कर सकते हैं, आई और EL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EL कॉमा आई, यहाँ पर प्लस हो गया, इसको इक्वल का साइन देना है, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है TR लेना है, क्योंकि न्यू लाइन चाहिए ना आपको, एवरी टाइम जब एलिमेंट रेंडर हो तो हमको एक न्यू लाइन चाहिए। तो ये एक की रिसीव करता है, अगर आपको याद होगा हमारे मैप वाली वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक आई की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि हमारा इंडेक्स यहाँ पर इसको दे देता हूँ, जो कि डिफॉल्ट है। अब हम क्या करेंगे, TD लेंगे,
टीडी के अंदर सबसे पहले हमको क्या रिसीव होगा, ईएल डॉट नेम। तो ये प्रॉपर्टीज हम कहां से एक्सेस कर रहे हैं, यहां से, ये नेम। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल, फिर फ्लैग। तो इसके बाद में हमारे पास है टीडी, टीडी के अंदर हमारे पास ईएल डॉट, स्पेलिंग का खास ध्यान रखिए, उससे एरर आ सकता है। यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल और इसको क्लोज किया। इसके बाद में हम क्या रिसीव करने वाले हैं, फ्लैग, क्योंकि फ्लैग अब एक इमेज है, क्योंकि इमेज के लिए हमको इमेज टैग अवेलेबल है HTML में, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और सोर्स में हम क्या करेंगे, कॉमा को हटा के यहाँ पर JSX एक्सप्रेशन की मदद से जो है हम यहाँ पर उसको प्रिंट कराएंगे। तो EL डॉट फ्लैग, आई होप स्पेलिंग सही हो, देख लेंगे हम इसको। और यहाँ पर आप जो है अल्ट भी प्रोवाइड कर दें, जो कि सेम आप क्या कर सकते हैं, ईएल डॉट नेम, यानी कि अल्टरनेट उसका नाम आप क्या कर सकते हैं, वही कंट्री का नाम जो रहेगा वही इसका अल्टरनेट नाम रहेगा इमेज का। तो यहाँ तक कि हमारा सब सेट हो गया, यहाँ पर गलती से एक और टी हो गया, इसको रिमूव किया। आप क्या करें, आप इस फाइल को सेव कर लें। तो ये सेव हो गया, सेव होने के बाद आप क्या करें, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में इसको रजिस्टर करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारी फाइल को इम्पोर्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ API from .slash, यानी कि उसका रिलेटिव पाथ हमको यहाँ पर देना है, API request, यहाँ पे मैंने लिखा API request। अब इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, कहाँ पर, React DOM dot render के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट हमारे पास एक React strict mode करके आता है, तो अगर आपके इसमें नहीं भी शो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इतना कुछ जरूरी नहीं है। तो इसके बदले आप क्या करें, यहाँ पे API with self closing tag यहाँ पर ऐड कर लें। अब सब कुछ सेव कर लें और आप क्या करें, इसको रन कर दें, यार स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एरर यहाँ पर नजर आएगा, जो कि बहुत टाइम आपको सता सकता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल। तो ये क्यों आता है, देखिए यहाँ पर क्या है, मैप मेथड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कर्ली ब्रेसिस नहीं देना है, इसके बदले आपको देना है पैरेंथेसिस। याद रहे, पैरेंथेसिस आपको यूज करना है, तभी आपका आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा पैरेंथेसिस, परफेक्ट, और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। तो याद रहे, पैरेंथेसिस की वजह से आपका ये एरर सॉल्व हो सकता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल, देखिए यहाँ पर हमारे पास रन है। चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पर, तो देखिए यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को रिलोड करते हैं, देखते हैं हमको हमारा डेटा मिलता है या नहीं। आज जो है डेटा रिसीव होना शुरू हो गया है, जैसे कि ये देख सकते हैं इसके सीरियल नंबर, नेम और कैपिटल। अब इसका फ्लैग का साइज जो कि बहुत बड़ा है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली इसको छोटा कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है साइज का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, साइज, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज जो है 100 पिक्सल कर देते हैं, ताकि ज्यादा बड़ा ना हो, यहाँ पे 100 पिक्सल। और इसकी हाइट भी जो है सेट कर सकते हैं 50 पिक्सल, आई थिंक इनफ है, क्योंकि ज्यादा हमको उसमें नहीं करना है ना। आप चाहे तो अदर CSS की फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, ये कंपाइल हो रहा है, और अब वापस चलते हैं ब्राउजर पर, ये रीलोड हो रही है एप्लीकेशन। देखिए परफेक्ट हमको हमारा जो है यहाँ पर आउटपुट नजर आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी हमने, कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है हमारा कॉलम जो है एक फ्लैग एम्प्टी रह गया। तो सीरियल नंबर के लिए मैंने जानबूझकर किया था, ताकि हम देख सके कैसे हम जो है सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो एक टीडी यहाँ पर लेंगे हम, टीडी लिया। अब क्या करना है हमको, सिंपली आई को प्रिंट कराना है, लेकिन अगर हम आई को प्रिंट कराएंगे सिंपली, तो देखिए हमको क्या मिलता है, एरे का इंडेक्स ऑलवेज जीरो से शुरू होता है, तो हमको जीरो से मिलता है ना, तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो आई प्लस 1। अब इसको सेव करेंगे और ब्राउजर पर चलेंगे, तो हमको जो है 1 से जो है हमारा सीरियल नंबर स्टार्ट मिलेगा, देखिए परफेक्टली। और कंसोल भी आप साथ में ऑन रखिए, ताकि अगर कोई एरर आता है तो आपको वहां पर नजर आ जाए। तो आई होप ये थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है एक मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यूट्यूब का क्लोन जो है क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।